हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों कैसी चल रही है सबकी डी ट्रिपल एस बी पी आर टी पीजीटी की तैयारी? दोस्तों देखिए, दोस्तों पीजीटी की तो डेट आ ही रखी है ना, तो हो सकता है हमारी भी जल्दी से जल्दी आ जाए एग्जाम की डेट। दोस्तों बाकी का हमारा क्वेश्चन सीरीज चल ही रहा है, जिसमें हम क्या है क्वेश्चनों के माध्यम से हम अपने टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक। और वो क्या है, हमारे क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। और अब तक हम 500 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों जिसने अभी तक पिछली वीडियो या क्लासेस नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर अब से पहले की जितनी भी 500 प्रश्न है, 500 प्रश्नों की क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप डीएड के प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी पेपर से रिलेटेड आपका टॉपिक है तो आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों तो आज भी हम 20 प्रश्नों पर ही बात करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 501 से लेकर 520 तक के प्रश्नों तक का, ठीक है? यानी कि आज भी हम 501 से लेकर 520 तक प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पूरे 20 प्रश्नों पर हमेशा की तरह बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग एक कॉपी और एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन जैसे जैसे करती हूँ और आप उसका जवाब हाथ के हाथ लिख लेंगे तो क्या है, जल्दी याद हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लेते हैं ना, स्क्रीन शॉट हमारा स्क्रीन शॉट ही रहता है, वो शॉर्ट ही हो जाता है, ठीक है? तो दोस्तों स्क्रीन शॉट लेने से इतना फायदा नहीं होगा आपका, लेकिन जितना अगर आप लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये शब्द मैंने लिखा था, किससे संबंधित था। तो प्रश्न भी याद आ जाएगा आपको, उत्तर भी उसका याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला देखिए आज का प्रश्न है 501 प्रश्न नंबर, देखिए दोस्तों 501। छात्र केंद्रित विधियां कौन कौन सी हैं? छात्र केंद्रित विधियां, देखिए दोस्तों हम शिक्षण कौशल सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, या टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, हम सभी टीचिंग मेथड जो प्रयोग करते हैं या जो भी उपयोग में लेते हैं दोस्तों, तो क्या है बच्चे के माध्यम से लेते हैं या बच्चे के आधारित या बच्चे की अधिगम शैली के अनुसार, ठीक है, बच्चे की जो लर्निंग ऑफ स्टाइल है उसके अनुसार लेते हैं, ठीक है। बच्चा किस विधि से जल्दी सीखेगा, कौन सी विधि से जल्दी सीखेगा, कौन सी प्रभावशाली विधि होगी, कौन सी अभिप्रेरणापूर्ण विधि होगी, ठीक है, कौन सी मोटिवेटेड मेथड होगा, इस तरीके से क्या है बच्चे के अनुसार उसकी आवश्यकता रुचि और क्षमता के अनुसार अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं शैक्षणिक कार्यक्रम में। तो दोस्तों कौन कौन सी विधियां छात्र केंद्रित विधियां बताई गई है, उन विधियों को बताना है। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो नहीं आएगा कि अब विधियां तो बहुत सारी हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, बहुत सारी विधियां दी होंगी जिसमें कुछ होंगी विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और कुछ होंगी छात्र केंद्रित। तो आपको उनमें से देखकर सही ऑप्शन लगाना है कौन सी छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है, बाल केंद्रित विधि कौन सी है, ठीक। तो दोस्तों छात्र केंद्रित विधियां कौन कौन सी है, इसलिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि जितनी भी हमारी छात्र केंद्रित विधियां हैं सभी कवर हो जाए और हमको सभी विधियों के बारे में पता चल जाए कौन कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। तो छात्र केंद्रित विधि सबसे पहले देखिए कौन सी विधि है, खेल विधि। छात्र केंद्रित विधि खेल विधि। दूसरी विधि है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि। तीसरी विधि है आपकी शैक्षिक पर्यटक, शैक्षिक पर्यटक विधि। उसके बाद आ जाती है आपकी विश्लेषित विश्लेषण विधि, विश्लेषण या आएगी नहीं इतनी सारी विधियां, विश्लेषण विधि आ गई, संश्लेषण विधि आ गई, संश्लेषण विधि आ गई आपकी, ठीक है, आगमन विधि आ गई,
आगमन, आगमन ठीक है, निगमन, आगमन निगमन, प्रयोजन विधि या परियोजना विधि, निगमन परियोजना, ठीक, परियोजना विधि। उसके बाद आ जाएगी आपकी समस्या समाधान विधि। आप इसको लिख लीजिए पहले, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शैक्षिक पर्यटक विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, ठीक है, परियोजना विधि, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, इसको हटाकर फिर मैं आगे की लिख रही हूँ, सारी 11 हो जाएंगी हमारी। परियोजना हो गई, समस्या समाधान, समस्या समाधान विधि, ठीक है। अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि, ठीक है। एक और रह गई आपकी, विचार विमर्श विधि, विचार विमर्श, ठीक है। ये सारी विधियां क्या है, हमारी छात्र केंद्रित विधियां है, ठीक है। नोट कर लो एक बार, छात्र केंद्रित विधियां निम्नलिखित है, जैसे खेल विधि, परियोजना विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, शैक्षिक पर्यटक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, और संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ठीक, और अन्वेषण विधि। ये सारी विधियां आप लिख लीजिए, विचार विमर्श विधि, जिसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, एक परियोजना विधि और विचार विमर्श विधि, ठीक है, ये सबसे बेस्ट विधियां हैं दोस्तों, सभी विधियों में से। तो ये सभी जो विधियां हैं कैसी है, छात्र केंद्रित विधियां हैं, ठीक है। इस प्रकार की विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में या शिक्षण में, तो क्या है, हमारा जो कार्य होगा छात्र केंद्रित होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट, 502 प्रश्न नंबर, 502 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खेल विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, विचार विमर्श विधि, सभी विधि, विधियां किस पर केंद्रित हैं, विधियां किस पर केंद्रित हैं, कौन कौन सी विधि। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका आएगा छात्र केंद्रित विधि, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधियां हैं, तो कौन कौन सी विधि। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी आ सकता है, खेल विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, यानी कि अन्वेषण दोस्तों एक तरीके से खोज पर आधारित होती है, ठीक है, खोज विधि, विचार विमर्श विधि, सभी विधियां किस पर आधारित है, तो ये सभी विधियां छात्र पर आधारित है या छात्र पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, छात्र पर केंद्रित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 503, 503 प्रश्न नंबर, एक व्यवसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, यानी कि कोई भी एक व्यवसाय कौशल सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, यानी कि हम किसी भी बच्चे को या विद्यार्थी को व्यवसायिक कौशल सिखा रहे हैं, अगर यहाँ बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, क्योंकि व्यवसायिक कौशल क्यों, हम ज्यादातर अगर प्रशिक्षण की बात करें तो हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देते हैं, विशिष्ट बालकों को देते हैं, तो दोस्तों इसमें से देखिए सबसे ज्यादा प्रभावी विधि कौन सी होगी, व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी विधि होगी, जिसमें व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी छात्र देख कर, समझ कर, अवलोकन कर कर सीखेगा, वह विधि होगी आपकी प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि द्वारा जब हम किसी व्यक्ति को कार्य सिखाते हैं, ठीक है, उससे पहले, कार्य सिखाने से पहले हम उसका एक
मतलब मॉडलिंग दिखा, मॉडलिंग कर देते हैं किसी भी एक्टिविटी की या किसी भी स्किल का, उसको करके दिखा देते हैं, तब बच्चा जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 504 504 प्रश्न नंबर देखिए, टीवीएलटी का विस्तार क्या है? टीवीएलटी का विस्तार क्या है दोस्तों? एक्सप्लेनेशन आ जाएगा इसका, एक्सप्लेन आपको फुल फॉर्म लिखना है इसका कि क्या है। तो क्या है दोस्तों? टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग लिख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग यानी कि क्रिया आधारित भाषा शिक्षण। हिंदी में देखिए दोस्तों, क्रिया आधारित, क्रियात्मक हो जाएगा यार, ठीक है, टास्क है ना, टास्क क्रिया आधारित भाषा शिक्षण, ठीक है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग क्रिया आधारित भाषा शिक्षण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 505 505 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए दोस्तों, जहां पर हमें कोई स्तर दे दिया जाता है, प्राथमिक स्तर दे दिया, माध्यमिक स्तर दे दिया, उच्चतर माध्यमिक दे दिया, हमें बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे को अंक गणित कैसे पढ़ाएंगे? अब प्राथमिक स्तर हमें सब थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है बच्चे का एज और लेवल उसका क्या है, ठीक है। तो दोस्तों प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, अब जब प्राइमरी लेवल पे होगा तो बच्चा क्या है, छोटा ही है अभी, ठीक है। तो बाल अवस्था में अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्राइमरी लेवल पर एज ए टीचर आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, चाहे वो अंक गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो सबसे अच्छा एक अंक गणित सिखाने का या पढ़ाने का ही नहीं, अन्य किसी भी विषय को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? खेल विधि है, खेल विधि। यहाँ पर अंक गणित ही नहीं, कोई भी विधि आ जाए, कोई भी विषय पूछ ले आपसे, अगर प्राथमिक स्तर दिया हुआ है तो सबसे अच्छी विधि प्ले वे मेथड है, ठीक है। खेल के खेल विधि जो है सबसे अच्छी विधि है, अगर प्राथमिक स्तर दे रखा है और आपसे विधि पूछ रखी है, अगर खेल विधि उस ऑप्शन में है तो आगे बंद करके आप खेल विधि लगा दो, सही रहेगा आपका, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 506 प्रश्न नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 506, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि मतलब दोस्तों अन्वेषण विधि, खोज विधि, अन्वेषण करना, खोज करना किसी चीज की। तो इसके जन्मदाता कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 507 507 प्रश्न नंबर देखिए, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है? छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच, अर्जित ज्ञान की जांच, बैग अर्जित, आप समझते हैं, जिसे सीखना नहीं पड़ता है, हम स्वयं सीख जाते हैं, अपने वातावरण में रहकर ग्रहण करते हैं, ग्रहण की हुई चीज, ठीक है। अर्जित ज्ञान है ना, ग्रहण करा हुआ ज्ञान, ये होता है सीखा हुआ, जिसे अधिगम कहते हैं, अर्जित होता है ग्रहण किया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, कह रहे हैं छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वे अर्जित ज्ञान से भरे होते हैं, मतलब उन्होंने आज चारों तरफ से जो ज्ञान ग्रहण किया होता है उनसे भरे होते हैं, क्या हम देख कर पता लगाएंगे? तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए हम उन बच्चों में ग्रहण किया हुआ जो ज्ञान है कितना है,
रचनात्मक ज्ञान को जान पाएंगे। तो वह विधि है दोस्तों परीक्षण विधि, परीक्षण विधि। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 508 प्रश्न नंबर देखिए 508। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है? आगमन विधि क्या है दोस्तों? आगमन एक ऐसी विधि है जिससे क्या है उदाहरण से नियम तक पहुंचा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों उदाहरण से नियम तक पहुंचा जाता है, और ये क्या है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ये विधि क्या है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है और आसे उदाहरण से नियम की ओर जाता है ये विधि। और ये क्या है इसका सूत्र पूछा है उन्हें आगमन विधि का कि उदाहरण से चलकर नियम तक पहुंचना। ठीक है, आगमन विधि है और निगमन विधि सेम उल्टा है, नियम से उदाहरण तक पहुंचना, निष्कर्ष तक पहुंचना। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है, कौन सा है दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, किस विधि का सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर है, या कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? तो कौन सी विधि है? आगमन विधि। ठीक, नेक्स्ट देखिए 509 प्रश्न नंबर 509। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो प्राचीन विधि है वह विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट 510 क्वेश्चन नंबर 510 देखिए, एक शिशु का रेंगने वाला मील पत्थर किस माह की आयु के दौरान होता है? प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है दोस्तों, जैसे जैसे बालक का विकास होता है, शारीरिक रूप से अगर हम बात करें बालक का विकास होता है, धीरे धीरे सपोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू होता है, बैठना शुरू करता है, अपनी गर्दन संभालता है, तो क्या है धीरे धीरे करके वह सारे विकास होते हैं। सबसे पहले गर्दन संभालेगा, ठीक है, फिर क्या है पीठ के सपोर्ट वह पलटना शुरू करता है, फिर क्या है उसके बाद धीरे धीरे पैरों की सपोर्ट से वह उठने की कोशिश करता है, ठीक है, आधे डर से उठकर बैठता है। इस तरीके से वह कौन सा माइलस्टोन है, यानी कि उस माइलस्टोन की एज क्या है जिसमें कह रहे हैं शिशु रेंगने लगता है। उन्होंने जो मील पत्थर पूछा है, मील पत्थर किस माह की आयु के दौरान होता है, यानी कि वह माइलस्टोन किस एज पर आता है या कौन से माह में आता है जब शिशु रेंगना प्रारंभ कर देता है। तो वह माइलस्टोन होगा दोस्तों आपका 7 से 10 माह। ठीक है, माइलस्टोन आप ऐसा है इसके याद कर लीजिए आप सारे। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 511 प्रश्न नंबर देखिए, जब परिपक्वता एवं अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी कि कह रहे हैं परिपक्वता एवं अनुभव, जब मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस होता है, उसके कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? जब कोई भी मानव या मनुष्य, कोई व्यक्ति आप ले लीजिए, जब वह व्यक्ति बड़ा हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है सीधे साथ साथ उसका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस्ड बनता जा रहा है, वो बंदा परिपक्व बनता जा रहा है, तो उसके क्रमिक मतलब उसके कारण जो उसके अनुभवों के कारण, ठीक है, और उसके परिपक्वता के कारण जो क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन जो आ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है,
या क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों विकास। नेक्स्ट 512 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? अगर हम बात करें विकास को बहुत सारे हैं, लेकिन हम मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? अब देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास ऑप्शन चार ही होंगे ना, तो कौन कौन से हम देखेंगे? सबसे ज्यादा जो मेन अगर हम बात करें तो शारीरिक, ठीक, दूसरा संज्ञानात्मक, ठीक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा आ जाएगा हमारा सामाजिक। ये चार क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 513, मस्तिष्क की वह कौन सी अवस्था है जो छात्र की पसंद नापसंद को दर्शाती है? यानी कि हमारी माइंड की कौन सी ऐसी कंडीशन है, या कौन सी ऐसी स्टेज है, या कौन सी अवस्था है? मस्तिष्क की वह कौन सी अवस्था है, या उस अवस्था को क्या कहा जाएगा जो छात्र की पसंद और नापसंद को दर्शाती है? प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है, मस्तिष्क की वह कौन सी अवस्था है जो छात्र की पसंद नापसंद का मतलब हो गया दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मूड होता है, मूड नहीं है ये सीखने का, ओह आज पढ़ने का मन नहीं है, आज लिखने का मन नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क की कौन सी अवस्था दर्शाती है? तो वह होती है दोस्तों प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 514 देखिए, किस चरण में बच्चे अपने संवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, टेट में तो सभी टेटों में पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, सब में पूछा गया है। किशोरावस्था, किशोरावस्था बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए 515 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि सभी, सभी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हम सभी अपनी रुचि, अपनी बुद्धि, अपनी रुचि, अपनी बुद्धि, अभिरुचि, ठीक है, आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में, क्षमताओं में, ठीक है, रुचि में, क्षमताओं में, विकास की दर में अलग अलग है, भिन्न है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से, तो ये किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तिक भिन्नता से, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक। प्रश्न नंबर 516 देखिए दोस्तों, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन विधि कौन सी है? यानी कि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन हेतु, हम किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए किस व्यक्तिक मापन विधि का प्रयोग करेंगे? वह विधि है हमारी अवलोकन विधि। अवलोकन विधि, कभी कभी इसकी जगह हमें ये शब्द भी आता है प्रक्षेपण विधि लिखा हुआ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही लिख लीजिए, दोनों में से एक तो आएगा ही, एक लगा देना, ठीक। नेक्स्ट देखिए 517 प्रश्न नंबर, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सी है? यानी कि हम किसी बच्चे को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, किसी बच्चे को किसी कार्य के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, अभिप्रेरित कर रहे हैं, उसके अंदर रुचि पैदा कर रहे हैं, तो उसकी एक अनुचित विधि कौन सी है? तो किसी भी प्रकार का आप बच्चे को दंड देंगे तो वह एक अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कहलाएगी, दंड विधि। ठीक। 518 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा किस प्रकार सहायक है?
यानी कि अधिगम प्रक्रिया में लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन किस प्रकार से हेल्पफुल होता है। देखिए दोस्तों, जहां हम सीखने की बात करें, अगर हमारा इंटरेस्ट ना हो तो हम सीखने में रुचि नहीं दिखाएंगे, उसे ठीक से नहीं सीखेंगे। तो अभिप्रेरणा किस प्रकार सहायक होता है, तो अधिगम में रुचि पैदा कर देता है एक तरीके से। अधिगम को रुचिकर बनाने में, अधिगम को रुचिकर बनाने में सहायक होता है। 519 प्रश्न नंबर देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है, यानी कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत आएगा आपको शब्द या चिन्ह आएगा। अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह है या क्या चिन्ह है, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह संकेत माना जाता है, तो किसे माना जाता है, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, नेक्स्ट 520 प्रश्न नंबर, व्यवहार का क्रियात्मक पहलू किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। व्यवहार यानी कि व्यवहार क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कार्य, ठीक है, व्यवहार है उसका। क्रियात्मक पहलू, जो व्यवहार के द्वारा क्रियात्मक पहलू कार्य कर रहा है, किस क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है। अब कोई भी व्यवहार अगर प्रदर्शित कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सीखने के लिए। अगर मैं सीख रहा है तो क्रियात्मक पहलू किसके द्वारा सीख रहा है, तो संज्ञानात्मक के द्वारा, यानी कि अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक, व्यवहार का क्रियात्मक पहलू। तो दोस्तों, आज भी हमने 20 प्रश्नों पर ही बात की है, 20 प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से एक्सप्लेनेशन के तम से हमने इनके सभी के आंसर्स को जाना है। बहुत अच्छे से आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज रहा है दोस्तों। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।